सो यो यो व्हाट्स अप गेमर्स यार, भाई लोग क्या हाल चाल सबके। आई होप कि आप सब लोग यार बढ़िया होंगे और गाइस यार आगे भी मेरे दोस्त यार बढ़िया रहना। तो यार आज की वीडियो में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि यार आज की इस वीडियो में गाइस हम लोग बताने वाले हैं टॉप 10 ऐसी फ्री फायर की न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जो यार बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली, जिनको देखने के बाद गाइस आप लोग एकदम पूरी तरीके से अपने फ्रेंड वगैरह को सरप्राइज कर सकते हो, पूरी दुनिया को हिला दोगे, मतलब फ्री फायर की दुनिया को हिला सकते हो। यार इस वीडियो को यार जरूर से एक लाइक कर देना और गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर 1 से। तो भाई लोग यार फर्स्ट ट्रिक को करने के लिए यार सिंपली आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना है। यहाँ पर गाइस सबसे पहले तो आपको एक पेन और गाइस एक गन ले लेना है, ठीक है। गन आप कोई सी भी ले सकते हो, मेरे जो आपकी जो मर्जी हो, मैंने इधर शॉट गन लिए, आप चाहो तो जो चाहे आपकी मर्जी वो ले लो, ठीक है। अब गाइस आपको क्या करना होगा, देखो आप अगर ऐसे फायर करते हो तो गाइस नॉर्मल डैमेज देखने को मिलता है, पर गाइस अब आपको क्या करना होगा, आप तो प्रो हो ना अल्ट्रा लेवल की तरह से, आपको क्या करना होगा फायर करना और तुरंत गाइस गन को चेंज कर देना। जैसे आप ये करते हो भाई, अब देखो क्या होएगा, जैसे ही आप पेन निकालोगे भाई फायर नहीं करोगे पर गाइस आपका डैमेज जो है उसको पड़ने वाला है, आपको फायर कर देना और तुरंत गाइस गन को चेंज ले लेना हाथ में। तो गाइस जैसे ही आप उस वापस से पेन लोगे तो गाइस आप देखोगे मतलब गाइस आपका जो पेन का डैमेज है भाई वो पड़ने वाला है। मैं एक बार और फिर से बता देता हूँ आपको, देखो पहले तो गाइस आपको फायर करते हो मतलब पेन को फायर करना और गाइस गन को हाथ में लेना, फिर जैसे ही वापस आप पेन को लोगे फिर गाइस आपके सामने यार नतीजा सामने है, मतलब एकदम मस्त वाली ट्रिक है। इसको यार आप चाहो तो यार अपने एनिमीज कस्टम वगैरह बना के अपने फ्रेंड वगैरह को भी सरप्राइज कर सकते हैं, क्योंकि यार बहुत अच्छी ट्रिक है ये। तो इस ट्रिक को करने के लिए सिंपली आपको देखो जो अपना ग्लू वॉल वाला जहर रहता है इसको कभी आपने पेड़ पे फेंका नहीं फेंका होगा भाई, मैं अभी आपको फेंक कर दिखाता हूँ क्या होता है। अगर कहीं आप इसको फेंकते हो तो भाई आपके सामने जो इतना मस्त वाला एनिमेशन देखने को मिलता है ना आपको, कि यार आपने फ्री फायर में कभी देखा ही नहीं होगा, जो कि यार एकदम सरप्राइजिंग देखने को लगता है। अगर कहीं कोई बंदा देखेगा तो भाई उसको तो ये पता ही नहीं होगा कि भाई पेड़ से यार कैसा निकल रहा है, मतलब भाई अगर आप चाहो तो यार पूरे मैप में बंदों को सिग्नल दे सकते हो भाई मैं इधर हूँ आ जाओ, किसकी में कितना दम है आ जाओ देख लीजिए। अभी कहीं इधर ये एक आ भी गया था पर कहीं मेरे को आपको ट्रिक दिखाना था इसीलिए मैं उधर से भाग के आ गया, मैंने उसको मारा नहीं, ठीक है। मैं गाइस नूबड़ा हूँ इसलिए उसको मारा नहीं है, वरना मैं मार भी सकता था क्योंकि मैं प्रो था। तो भाई उसको ध्यान में बनते हो आप, तो इसको देखो ट्रिक को, तो भाई इधर अगर आप फ्लैश थ्री भी देखते हो तो इस तरीके से अभी एनिमेशन आपको देखने को मिलता है, जो कि भाई मेरे दोस्त यार एकदम सरप्राइजिंग देखने को लगता है। इस तरीके से आप अपने फ्रेंड को सरप्राइज कर सकते हैं। सो इस ट्रिक को करने के वापस आप सोशल जो आइलैंड में आ देना, यहाँ पर कहीं लोकेशन वगैरह वही तरीके से देख लो, वरना भाई बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पर आने के बाद आप अपनी स्क्रीन को इधर उधर रोटेट करते हो तो मेरे भाई यार देखोगे कि मतलब आपका जो कैरेक्टर है भाई मतलब पूरा का पूरा जो सामने का व्यू है भाई पूरा का पूरा एनिमेशन गायब हो चुका है, आज हो चुका है। और कैसे अगर आप यहाँ पर कोई बंदा इस तरीके से गाड़ी लगाता है एनिमेशन वाली तो भाई उसका पीछे का टायर देखो। अब कैसे अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर किसी एनिमी को भेजोगे तो या फिर मतलब फ्रेंड को भेजोगे तो भाई वो तो एकदम सरप्राइज हो जाएगा ना भाई, आखिर क्या तुमने ऐसे करा तो करा कैसे, क्योंकि यार उसको भी आप लिंक शेयर करके यार मेरी वीडियो का पता सकते हो कि भाई मैंने ऐसे किया। सर चलो इस ट्रिक को करने के लिए देखो, ये अगर कैसे कोई एनिमी यहाँ पर इधर बैठ के अपना आपका इंतजार कर रहा हो कि भाई इधर से नूबड़ा आ जाए और अपन इसको मार दे, वैसे या कैसे आप लोग प्रो हो तो भाई आपको क्या करना है इसके सामने वाले घर में चले जाना है। यहाँ से कैसे आपको इस तरह वाली यहाँ पर जो विंडो दिख रही है इसकी छत वाली, तो भाई आपको यहाँ पर आने के बाद डबल जंप पर टैप करना है तो आप इस तरफ आ जाओगे। अब कहीं यहाँ से फायदा ये होगा मतलब भाई जो आप उधर से वो आपका इंतजार कर रहा होगा पर कहीं आप उसको इधर से आकर पीछे से मार दोगे, जो कि यार एकदम सरप्राइज हो जाएगा वो एनिमी तो भाई यहाँ पर पीछे कोई नहीं था फिर यार ये कैसे आया। सो इस ट्रिक को करने के लिए देखो अब जो भाई क्या ही ओम ओपी वाली ट्रिक है, आपको रीडिंग वाली सेक्शन में चले जाना, फिर कहीं आप यहाँ पर एफेक्ट ओपन को चले जाना। तो अब कहीं आप देखना यहाँ पर आपको डायमंड रॉयल वाउचर ये चाहिए, ठीक है। आपको आपको डाटा ऑफ करके ऑन कर देना है, जैसे कि आप ये करते हो फिर आपको आपको जो खरीदने वाला ऑप्शन रहता है 40 टोकन का, इस पर गाइस मैक्स कर देना, मतलब आपको इस पर सिंपली टैप करते रहना है जिसमें गाइस ये आपका परचेस हो जाए। अभी गाइस देखो मैंने इधर मैक्स करके बार बार परचेस करते जा रहा हूँ और गाइस यार इधर मेरे को एक वाउचर मिल चुका है, और गाइस इधर मेरे ऊपर आप टोकन देखोगे कि मेरे पास 50 टोकन अभी भी देखने को मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। और गाइस इधर देखोगे तो आपका जो 19 दिखा रहा है खरीदने को, जैसे 20 के लिमिट पर गाइस आप इधर को 19 आपको देखने को मिल रहा है, और गाइस यार यहाँ पर मेरे एफएफ टोकन भी 50 के 50 हैं अभी और इधर 19 हो चुका है, ठीक है। अब गाइस चलते हैं लकी रॉयल में देखने, ठीक है। लकी रॉयल में देखने के चलते हैं मेरे भाई, अभी देखते हो इधर देख लेते हैं डायमंड रॉयल वाउचर कहाँ गए, ये रहा भाई इधर 8 दिखा रहा है, ठीक है। अभी गाइस मैं टैप करके दिखाता हूँ 7 वो है 24 घंटे वाला। अब गाइस वॉलेट में देखने चलते हैं, वॉलेट में आया है कि नहीं, ठीक है। वॉलेट में आप अदर्श में जाकर देखते हैं, अदर्श में गाइस इधर कुछ नहीं दिख रहा। अब गाइस चलते हैं वापस एक बार लकी रॉयल में, तो भाई लोग यार लकी रॉयल में मैं आ चुका हूँ और डायमंड रॉयल में आप देखते हैं भाई इधर हो चुके हैं 9 वाउचर, जो कि यार एकदम इम्पॉसिबल था, ठीक है, वो मैंने आपको करके दिखा दिया। तो चलते भाई नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। इस ट्रिक को करने के लिए यार आप किसी भी मोड में कर सकते हो, सिंपली यार जब आप हुई या फिर डिपीट होने लगो तो भाई आपको क्या करना होगा, स्कोप को इन आउट करते रहना, ठीक है। देखो मैं स्कोप को इन आउट करते रहो भाई, आपका जो कैरेक्टर है सामने का पूरा इंडिविजुअल हो चुका है। अभी गाइस देख सकते हो ये वाला मोड मैंने कॉन्फिगरेशन में किया था, और क्या नाम था भाई, रैंपेज यूनाइटेड में किया था, पर गाइस आप इसको लॉन वॉल्फ में भी क्लास स्पेड में कहीं पर भी कर सकते हो, तो एकदम मस्त ट्रिक है पूरा स्क्रीन गायब करने का।
सो अब इस चीज को करने के लिए वापस आपको सोशल जोन में आ जाना है। यहाँ पर क्या आपको कैली देखने को मिलती होगी किला, यहाँ पर क्या आपको कैली बाइक को कैली के अंदर घुसा देना, ठीक है, उस वाली जगह पे नहीं घुसाना, वो उसको घुसा देना, बस इस तरीके से घुसा देना, पिछला वाला टायर है उसके अंदर लगा चला जाए, फिर आपको गेट आउट कर देना है। फिर गाइस काफ़ी सारे नूबड़े तो हैं यहाँ पर ड्राइव करने के लिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर गाइस अभी आप इधर देखोगे कि मतलब आपका जो पिछला वाला टायर भाई वो पूरा का पूरा ऊपर उठ चुका है, आपको सिंपली आपको एंटर करके बैठ जाना और किसी भी नूबड़े से बोल देना भाई ड्राइव कर, जिससे वो ड्राइव करता है तो गाइस देखो पिछला जो टायर है भाई हवा में उठ रहा है और उसका जो एनिमेशन है भाई नीचे है, मतलब एकदम लिटरली यार अमेजिंग ट्रैक हो चुकी है। इस तरीके से गाइस पूरे के पूरे आप पूरे फ्रेंड को यार जितना भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर भेजोगे ना मर जाएगा वो एकदम, भाई क्या करके दिखा दिया तुमने, एकदम लिटरली यार बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रिक है, तो इसको एक बार ट्राई कर देना। और भाई इस ट्रिक के लिए यार एक लाइक बनता है, तो अभी से एक लाइक कर दो यार वीडियो को, है बहुत मजा नहीं करती यार वीडियो को बनाने में, ठीक है। तो इस ट्रिक को करने के लिए आपको वापस रैंप पर जाना है, यहाँ पर जब आपको क्या करना होगा देखो जैसे ही आपका ऊपर काउंट डाउन चल रहा है ना 9 8 7 6 5 4, आपको जैसे इधर 3 5 हो जाए या फिर 4 हो जाए तो गाइस आपको अपना डाटा बंद करके चालू कर देना जल्दी से, और गाइस यहाँ से बाहर की साइड में रहना आपको, अंदर जोन की जहाँ पर एरिया है वहाँ पर नहीं रहना आपको, ठीक है। जैसे ही आपको जो कहीं पर नॉर्मल आएगा तो भाई आप देखोगे कि मतलब आपको जो कैरेक्टर है जोन के मतलब रेड जोन के बाहर आ चुका है। मैंने नेट ऑफ इसलिए कर दिया भाई क्योंकि अगर आप मतलब नेट ऑन करके रखोगे तो ये बहुत जल्दी चला जाएगा, मतलब काउंटर के ऊपर रहता है और कैसे आप एनिमी वगैरह को नहीं देख पाओगे, ठीक है। इस तरीके से अगर नेट ऑफ कर देते हो आप तो मेरे भाई यार यहाँ से आप उनके एरिया तक जा सकते हो और मतलब देख सकते हो भाई क्या कर रहा है वो, ठीक है, मतलब पूरे का पूरा भाई 10 सेकंड तक आपको जो फ्रेंड है वो सरप्राइज हो जाएंगे कि भाई आखिर तू रेड जोन से बाहर गया तो गया कैसे, बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रिक है, इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं आप। सो इस ट्रिक को करने के लिए कहीं ड्रॉप की जहाँ पर भी गिरने लगे आपको अपना भी एक ड्रॉप मंगा लेना है, ठीक है। आपको यार यहाँ पर मैप में कहीं भी दिख जाएगा जो ड्रॉप आता है उससे कहीं 5 मिनट पहले मतलब 2-4 मिनट पहले आपको ये इशारा कर देता है भाई यहाँ पर ड्रॉप गिरेगा, क्योंकि यार यहाँ पर भी एक लाइट देने लगती है, तो आपको यार ड्रॉप मंगा लेना है जैसे वो आए, सो गाइस अभी आपका जो ड्रॉप है वो उसको भी आने देना है, ठीक है। फिर गाइस जैसे वो ड्रॉप आएगा अभी इसकी लाइट देख लो और गाइस मेरी लाइट देख लो इसकी आ गई, अब देखो भाई मतलब गाइस क्या ही बच्चा लग रहा है, मतलब भाई इसका बच्चा छोटा हो गया बच्चा, मतलब गाइस अभी कोई बंदा आएगा तो वो सोचेगा कि भाई आखिरकार इसके 2 ड्रॉप आके आए तो आए कैसे, और गाइस ये तो भाई मतलब ये तो अभी पास से जो बंदा देखेगा उसको देखेगा, पर गाइस जो बंदा दूर से इसकी लाइट देखेगा ना उसकी लाइट देखो, मैं दिखाता हूँ आपको लाइट क्या देखने को मिलेगी, मतलब भाई ब्लू और येलो मिक्स हो जाएगी, मतलब भाई क्या ही अमेजिंग लाइट देखने को लग रही है। अभी गाइस इधर ये नूबड़े परेशान कर रहे हैं, इतना ही आप लाइट देख लो, बाकी भाई चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अभी इस ट्रिक को देखो पहले तो है ना हैकर मेरा फ्रेंड है ना, है ना, आप भी आपने भी यही सोचा ना हैकर, ये हैकर नहीं है भाई, ये एक बार और देखो आप भाई ये हैकर नहीं है, ये एक ट्रिक है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरीके से गाइस आप पूरे मजे ले सकते हो, पहले आप इसका रिव्यू देखो, मतलब भाई देखो कैसे मेरा फ्रेंड अभी वापस आने वाला हैकर की तरह, ये देखो भाई है ना हैकर दुबा, इस तरह से आप कर सकते हो क्या, कर सकते हो तो भाई मैं अभी आपको एक लाइक करूँगा आपकी वीडियो पर अगर कर सकते हो तो। भाई देखो इस ट्रिक को करने के लिए आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद आपको फ्रेंड से बोला ऊपर बैठू, आपको डाटा बंद करके चालू कर देना जल्दी से, फिर आपको जल्दी से दौड़ के चले जाना ऊपर, ठीक है। जब तक आपका यार पिंग नॉर्मल नहीं आएगा, जब तक आप ऊपर नहीं आओगे, जैसे आपका पिंग नॉर्मल आएगा समझ लो आप ऊपर आ जाओगे, ठीक है। अभी आपको जब से देखो और आके जैसे इधर अगर कोई एनिमी बैठा रहता है तो आप उसको भी सरप्राइज कर सकते हो और एकदम से उसको किल भी कर सकते हो, ठीक है, एकदम मस्त वाली रेस्ट ट्रिक है। अभी गाइस इसको मैं आपको एक जगह और दिखाता हूँ जहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, देखो काफ़ी टाइम इधर बंदे बैठ जाते हैं, तो गाइस आप इस तरीके से भी उसको परेशान कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को करने के लिए आपको शिपयार्ड पे आ जाना है, ये वाली लोकेशन पे, ठीक है मेरे भाई यार। देखो इस ट्रिक को करने के लिए आपको सिंपली इसके ऊपर चढ़ जाना है, फिर यार आप अपना जो स्कोप की हेल्प से इसके ऊपर ये रेलिंग है इसके ऊपर चढ़ जाना है। आप गाइस आपको क्या करना होगा देखो, अलोक है तो अलोक, कैली है तो कैली, अगर नहीं है तो दोनों उसके बिना भी आप जंप कर सकते हो। मैंने यार इसको अलोक कर लिया था क्योंकि मेरी हेल्थ माइनस थी, मैंने वरना आप बिना अलोक के भी इसको जंप कर सकते हो। आप गाइस यहाँ पर आकर अपनी पूरी रैंक की कोशिश कर सकते हो और जितने भी मैंने शिपयार्ड पे हैं सबकी खोपड़ी तोड़ सकते हो। और गाइस यार यहाँ पर एक ट्रिक बहुत ज़्यादा मस्त है, वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, उससे पहले गाइस एक यार लाइक जरूर कर दें वीडियो। अभी गाइस देखो यहाँ पर गाइस अगर आप लेटते हो ना साइड में तो गाइस यार यहाँ पर आपको जो कैरेक्टर है पूरा पूरा हवा में उड़ने लगता है और गाइस यार यहाँ पर पूरे एकदम सरप्राइज हो जाते हो। तो गाइस इस ट्रिक को करने के लिए यार सिंपली आपको यार ये जो यूज़ वाले बटन रहते हैं इसको यूज़ कर लेना, ठीक है। अभी गाइस ये यूज़ करने के बाद आपको करना क्या होगा मैं बताता हूँ, ये जो अपना टाइमर देख रहे हो इसको गाइस आपको लूटना नहीं है बॉक्स को, सिंपली आपको इस टाइमर का वेट करना है कि यार ये 15-16 सेकंड हो जाए, जैसे यार ये आपको 10 सेकंड के लगभग हो जाए तो गाइस उस टाइम पर गाइस आपको अपना डाटा ऑफ कर देना है। फिर गाइस आपको 10 सेकंड के बाद आपको लगभग 6-7 सेकंड तक आपको डाटा ऑफ करके रखना है। तो जैसे कि आपका जब डाटा ऑन करोगे आप तो मतलब यार यहाँ से ये तो चला जाएगा आप
मतलब कि पूरी सबके फ्री फायर के व्यू से। पर जो आपके व्यू जब आपका जब तक नेटवर्क नॉर्मल नहीं आएगा, जब आपका नेटवर्क नॉर्मल आएगा फिर आप देखें क्या होने वाला है। मेरा यार नेटवर्क नॉर्मल आ चुका है, पिंग नॉर्मल हो चुका है। अब गाइस देखो मतलब जो जो अपना बॉक्स था भाई वो गया, अब नहीं हुआ है, ठीक है। अब गाइस ये तो कुछ बात नहीं है, ठीक है। आपका जैसे ही आप इसके ऊपर चढ़ोगे सो गाइस देखना क्या होने वाला है। मतलब ये जो आपका व्यू है ना आप हवा में उड़ रहे हो, पर गाइस जो आपका फ्रेंड का व्यू है ना वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले गाइस आप सभी लोग देख सकते हो कि मतलब भाई मेरा जो फ्रेंड है वो भी इसके आर पार जा रहा है, मतलब उसको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। अब मेरा जो फ्रेंड का व्यू वो देखो, उसने भाई ये लूट लिया, ठीक है। अभी गाइस चलते हैं अपन लोग उसके पास, उसका व्यू से जो है वो क्या देखने को मिला वो मैं दिखाता हूँ। देखो भाई ये ख़त्म होने वाला है, नीचे टाइमर देख लो भाई 6-7, ये उससे देखो ख़त्म हो गया। अभी उसने वही ट्रैक किया जैसे मैंने आपको बताया था ना नेट ऑन ऑफ वाली। अभी गाइस देखना भाई उसने क्या देखने को मिला, ये देखो भाई उसकी उसको अपन को कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा, अपन को नहीं देखने को मिल रहा मतलब एनिमी को भी नहीं देखने को मिल रहा। अभी गाइस देखो वो उस बॉक्स के ऊपर चढ़ा जैसे कि यार मैं चढ़ा था, और गाइस यार यहाँ पर वो लेटा है, ऐसा लग रहा है कि भाई एकदम लेट के हवा में, मतलब भाई वो हवा में उड़ रहा है ऐसा ही लग रहा है भाई, मतलब सच्ची बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। मैं भी आर पार निकल पा रहा हूँ इधर कुछ भी नहीं है, पर जो आपके एनिमी वगैरह है उसको भी यार ये सेम का सेम प्रोसेस देखने को मिलने वाला है। इस तरीके से पूरे के पास जितने बंदे हैं और आपको सरप्राइज हो ही गया, तो इस तरह को करने के लिए सिंपली आपको ये जो अपना डिमेट्री कैरेक्टर है उसको लेके आ जाना है। यहाँ पर कैसे आपको कुछ भी नहीं करना, बस यार नीचे जो आपका सेकंड फ्लोर है उस इस नीचे वाले फ्लोर पे आपको एलिवेटर को यूज़ कर लेना है, और कैसे ऊपर वाले फ्लोर पे आपको नॉक हो जाना है। अब कैसे इसका फायदा ये है कि मतलब अगर कैसे आप नीचे वाले फ्लोर पर भी नॉक होते हैं तो ऊपर वाले फ्लोर पर भी आप सर्वाइव हो सकते हैं। अब कैसे आप अपने फ्रेंड वगैरह को सरप्राइज कर सकते हैं कि भाई देखो कि मतलब भाई तू इधर बैठा रहा मैं इधर तेरे को कर करो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके बता देना।